अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। रमज़ान मुबारक आप सबको। क्या हाल चाल हैं आप सबके? तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ छोले की चाट। छोले का पैकेट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये रहा। लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा बॉईल करते हैं, क्योंकि ऐसे अगर करेंगे तो बहुत सख्त लगते हैं। तो इसमें डालूँगी चाट के लिए आलू जो है कट कर रही हूँ। पानी बॉयल करने रख दिया मैंने। यस आयरा, पानी बॉयल करने रखा हुआ है। एक आलू बहुत है, आप कहेंगे दस आलू ले लिया, क्योंकि हम लोग इतने लोग नहीं हैं तो एक आलू सही रहता है चाट में डालने के लिए। चलो ये पीसेस ज़्यादा छोटे छोटे पानी बॉयल करने रखा है। डाल दूँगी इसमें आलू, सॉल्ट मिला दूँगी थोड़ा सा। 5 मिनट बॉयल करूँगी इसको बस, और उसके बाद डाल दूँगी ये छोले सारे इसमें। पानी बॉयल हो गया, अब ऐड करें छोले। 5-10 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर दूँगी। प्याज टमाटर काट लेते हैं छोले के चाट के लिए। ऑमलेट वाली जो प्याज होती है वैसे कट करूँगी। वॉश करके साइड पे फिर टमाटर काटेंगे। टमाटर काट लेते हैं आप, इतने काफ़ी होगा। हरा धनिया डालेंगे, छोलों की चाट की जो है वो तो चीज़ें पूरी हो गई हैं, सारी चीज़ें कट हो गई। और अब तैयारी हो रही है बेसन की। बेसन जो है अभी इफ्तारी में टाइम है, मैं सिर्फ बेसन जो है वो पूरा ऐसे रेडी करके रखूँगी, लेकिन जो मिर्चें और नमक वगैरह है वो एंड टाइम पे ही डालूँगी। बेकिंग सोडा वगैरह अभी जस्ट ये वाला करके रख रही हूँ। तो अभी इसके पकोड़े के लिए भी चीज़ें काटनी है। हम लोग पकोड़ों में आलू भी डालते हैं, पालक भी डालते हैं, हरी प्याज होती है तो डाल लेते हैं, नहीं तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन पालक बहुत ज़रूरी है। पालक हम लोग ज़रूर डालते हैं, और वो प्याज तो आपको पता है ज़रूरी होती है। तो पालक हो गई, प्याज हो गई, आलू भी डालते हैं क्यूब्स वाले जो होते हैं बिल्कुल बारीक बारीक करके, और हरी प्याज भी, क्योंकि मेरे ख्याल से सब लोग वो नहीं डालते पालक, कम लोग डालते हैं। पालक वाले भी पकोड़े बनते हैं, लेकिन हम लोगों के आम पकोड़े भी जो हैं बगैर पालक के नहीं बनते हैं। तो चलो डन हो गया। इसमें जब पकोड़े बनाएंगे उसके बाद जो है चीज़ें ऐड करूँगी स्पाइसेस। जो है बीफ समोसे के लिए कीमा बना के रखा है। वैसे भी मैंने समोसे और एग रोल बना के रखे हैं, आपको दिखाती हूँ, लेकिन थोड़े से हैं तो कम पड़ेंगे, तो इसलिए मैंने कीमा बना लिया। अब और बनाऊँगी। ये रहे बीफ समोसे, ये रहे। अब इसको जिप लॉकर में करके रखूँगी। अब आपको एग रोल दिखाती हूँ। रोल ये रहे, एग रोल अभी नहीं बनाऊंगी, ये वाले ठीक है, लेकिन बीफ समोसे ज़्यादा खाने में आते हैं तो बीफ समोसे और बनाऊंगी। ये रहे एग रोल, इन्हें भी जिप लॉक में करके रखूंगी। थोड़े से है इसलिए छोटा जिप लॉक लिया है जी। हो क्या आएगा? यस सो प्रिटी। समोसे ज़्यादा हैं तो उसके लिए बड़ा जिप लॉक लिया है। तैयारी करेंगे दही बड़ों की। ये रहे दही बड़े, जो मूंग की दाल के होते हैं। हमारे यहाँ वो जो बेसन वाले होते हैं वो वाले नहीं खाए जाते, जब भी बनते हैं ये दाल वाले ही बनते हैं। उसको सोक कर देंगे गर्म पानी में, जितना आपको चाहिए अपना गर्म पानी में सोक कर देंगे इसे। गर्म पानी डाल दें, नमक भी मिला दिएगा थोड़ा सा। आधा घंटे के लिए रख दें, कम टाइम हो तो कम टाइम के लिए रख दिएगा, और डालना पड़ेगा पानी, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, और नमक डालूँगी। दही बना लेते हैं आप दही बड़ों के लिए।
पानी बाद में ऐड करूँगी, पहले विस्क करूँगी। थोड़ा और ज़्यादा दही लूँगी क्योंकि पानी में से निकाल के पहले मैं थोड़ी सी देर के लिए पतले दही के अंदर सोक करती हूँ, दही बढ़े, और फिर उसके बाद जो है गाढ़े वाले दही में डालूँगी। पानी ऐड किया है अभी मैंने, नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया, थोड़ा सा ये वाला निकाल लिया था मैंने आधा, इसमें और गाढ़ा दही मिला के फिर ऊपर से डालूँगी। थोड़ा सा पतला, ये देखें गाढ़ा नहीं है, इसमें जो है सारे दही बड़े मैं डालती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। डाल दूँगी इसमें जो है सारे निकाल के सोख करके, प्यार प्यार से छोटा सा, थोड़े से टूट गए थे ऐसे करके, अब इसमें थोड़ा सा जो है गाढ़ा वो मिला के दही, ये जो था इसमें, अब मैंने दो मसाले हैं, एक चाट मसाला जो पैकेट वाला होता है और एक जो घर का मसाला होता है, दोनों ऐड करूँगी इसमें थोड़ा थोड़ा। चाट मसाला था पैकेट वाला और ये घर का मसाला है, थोड़ा थोड़ा ऐड करें, बाकी सबकी अपनी मर्ज़ी जितना सबने डालना हो। थोड़ी सी इमली डालूंगी इसमें, ज़रा सी, ज़्यादा नहीं। डन, बनाते हैं छोले चाट। आपके सामने सारी चीज़ें दिखा दी थी काट के, जो चाट के लिए थी, ये भी सारी चीज़ें, टमाटर वगैरह सारी चीज़ें सब डाल देंगे। और इसके बाद बड़ी सिंपल सी बनती है हमारी चाट जो है, कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं डलती, वही जो घर का और जो चाट मसाला होता है वो यूज़ करूँगी। नमक डालूँगी, कुटी हुई मिर्च डालूँगी और थोड़ा सा इमली का पल्प, डन, कुटी हुई मिर्च थोड़ी सी, घर वाला मसाला, नमक जो है मुझे देख के डालना है क्योंकि चाट मसाले में भी मिला हुआ होता है, लेकिन नहीं डालूँगी तो फीका लगेगा। अब ऐड करूँगी इमली का पल्प, अब ऐड होगा इमली का पल्प, अपने हिसाब से डाल देगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और दही डालूँगी जस्ट ऊपर से, मिक्स नहीं करूँगी, जब पूरी डन हो जाएगी बस ऊपर से थोड़ा सा दही डाल दूँगी। ऐसे ऐसे रख दूँगी मैं, जिसको फिर जब खाएंगे तब जो है तोड़ लेंगे या जो भी। ये आलू के पकौड़ों के लिए जो है, ये वाले गोल वाले आलू के पकौड़ों के लिए हैं, और ये जो छोटे हैं ये मिक्स पकौड़ों के लिए हैं। अब एक घंटा अभी भी अफ्तारी में, तो ये कहीं काले हो जाते हैं, लेकिन अब मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा पानी और आइस क्यूब बहुत सारी। चलो जी, गुड टू गो, अब जब होगा काले भी नहीं होंगे और बिल्कुल सही रहेंगे। अब बनाते हैं फ्रूट चाट, फ्रूट जो है आपके ऊपर है, आपको जो भी पसंद हो जो आप यूज़ करना चाहें। मैं ऑरेंजेस जो है उसका जूस भी डालती हूँ और वैसे भी उसको वो भी डालती हूँ। छील लेते हैं पहले, पता नहीं आम जो है खट्टा होगा या मीठा, मुझे तो खट्टा लग रहा है, खा के ही पता चलेगा। ब्लूबेरी भी मैं डाल देती हूँ चाट में, लेकिन आज आई थिंक खत्म हो गई ब्लूबेरीज, नहीं तो स्ट्रॉबेरी के साथ वो भी बड़ा अच्छे कलरफुल लगता है, मज़े के भी लगता है ऑफ कोर्स।
होगी यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज जो छीलने वाली चीज़ें हैं। I don't know. You want present? एप्पल काट रही हैं। शुगर थोड़ा सा मैंगो जूस सब खत्म। अफ्तारी इज डन। अब हम चल के हम निकालेंगे फ्रूट चाट, आराम से बैठ के खाएंगे, टीवी देखेंगे, फिर उसके बाद धोएंगे बर्तन। बर्तन धोना, कौन कौन ऐसा है वहाँ पे जिसको बर्तन धोने में मसले मसाइल होते हैं? सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये मसले होंगे, बट धोने तो होते हैं, तो ज़रूरी है। चलें जी, बाय बाय। आई होप यू गाइस लाइक द व्लॉग। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।